का मरम्मती हुआ और वो सप्ताह भर भी नहीं चला, इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है। किस मांग को लेकर के आज आप लोग सड़क जाम किए हैं, ट्रांसपोर्टिंग ठप किए हैं? हमारा मांग है पुल जो जर्जर स्थिति में है और ये पुल कब बैठ जाएगी, कब भयंकर दुर्घटना में ग्रस्त हो जाएगा, इसका देख रेख आज तक अभी नहीं हो पा रहा है, उसी विषय में हम लोग लेकर आज आंदोलन किए। क्या प्रबंधन से इस संबंध में वार्ता हुई थी? कल हम लोग शाम 4:30 बजे प्रबंधक से बातचीत हुई, लेकिन वो टाल मटोल कर गए। हाँ, ये बात सही है कि वो लाखों रुपए के 18 लाख का टारगेट में ये काम हुआ और अभी 6 महीना भी नहीं बीता है और अब आप खुद देख रहे हैं क्या स्थिति है सड़क का और स्कूल का। खूब पॉलिश करके निकल गया है, 4 से 5 घंटा में रोड कहीं बनता है, जरा आप बताइए। नहीं हो पाएगा कि काम हम लोग को मिले ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। टेंडर वाला में यार तो लोएस्ट और हाईएस्ट है, टेंडर वाला का जिसको लोएस्ट होगा वो ये किया है। क्या मालूम, बात भी उनसे ऑर्डर में से उनसे नहीं हुआ, नंबर भी था बोला नहीं। अभी जो जारंडी में सड़क को जाम किया गया था, ट्रांसपोर्टिंग ठप किया गया था, प्रबंधन से कुछ मांगे रखी गई थी, क्या आश्वासन दिया गया इन लोग? अभी जो वार्ता हुई है उसमें यही सहमति बनी है कि अभी हमारे सिविल के जो अधिकारीगण हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग सब मिलकर उसका निरीक्षण करेंगे और उसमें एक दो तीन चीज़ बातें आई हैं, जैसे कि रेलिंग कुछ खराब है, फुट ब्रिज खराब है, ये सब को देख कर फिर हम लोग उसके बारे में आगे कि जो भी कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। उसमें वार्ता हुई कि ये लोग सीसीएल जो हैं, सीसीएल वाले लोग बोले हैं कि पुल की मरम्मति पहले भी हुई थी, कितने पुनः मरम्मति हम लोग करवाएंगे, बढ़िया ढंग से मरम्मति करवाएंगे। नए पुल की भी मांग हो रही थी तो उसमें क्या क्या करना होगा, कैसे? इसके लिए देखिए हम लोग प्रशासन को लिख रहे हैं, सरकार को लिख रहे हैं कि नया पुल यहाँ पर डबल ब्रिज बनाया जाए। सीसीएल वाले भी अपने तरफ से जो है, ये लोग भी जो है अपने मुख्यालय को लिखेंगे कि हम पुल की आवश्यकता है, डबल ब्रिज बनाया जाए, इसका पहल किया जाएगा। हाँ, पहल किया जाए, हम पहल पहले भी किए हुए थे, पुनः जो है इसका पहल करेंगे, नया ब्रिज हम